तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, तो किसी शादीशुदा पे क्यों मर रही है? मुझे बाद में बता। इसका तो पति है तुझे हमेशा दबा के रखेगी, ये करेगी वो करेगी, तू सेकंड वाइफ है, जिंदगी भर तेरे पे थप्पा रहेगा। मैं पायल की बेस्ट फ्रेंड थी, मैं और पायल एक बर्थडे पार्टी में मिले, हमारी कॉमन फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, तो वहाँ पर हम दोनों मिले और मुझे बाद में पता चला कि वो मेरे घर के पास रहती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार इकट्ठे निकल लेते हैं, बातचीत हुई, जैसे अब हम दोनों की बातचीत हुई ऐसे। तो उसके पास थी उस टाइम पे और मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो पायल कह रही मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। मैंने क्या कर दूँ ड्रॉप? तो पायल ने मुझे ड्रॉप करा। जब पायल ने मुझे ड्रॉप किया हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ, हम दोनों फ्रेंड बन गए। फिर कुछ टाइम बाद कहती शॉपिंग करने चले, मैंने कहा चलो, तो हम गए शॉपिंग करने। वहाँ पे तो हमने सेम शॉर्ट्स सेम जीन्स, दोस्त थे, तीसरा चौथा दिन हमने ना एक शॉपिंग करी दोनों ने, मतलब 5 टॉप उसने लिए 5 मैंने लिए सेम। फिर उसके बाद ना उसने बोला हम ना सेम कपड़े पहन के घूमने चलेंगे। ठीक है, हम ऐसे एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले। अब दिल्ली में पालिका बाजार है, जनपथ है, सीपी है, हम सब जगह घूमे, फर्स्ट टाइम मिले। तो ऐसे हमारी ना बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया। मेरा कोई दोस्त नहीं था, उसका भी कोई दोस्त नहीं था। तो फिर उसने मुझे बुलाया चीकू के बर्थडे पार्टी में। उस टाइम मैं मेकअप का कोर्स सीख रही थी मैं, क्योंकि मेरा ना कॉलेज चल रहा था, कॉलेज मेरे ख्याल से खत्म हो गया था। तो मेरे घर पे मम्मी पापा कहते क्या करना है, तो मैंने ना बोला मुझे मेकअप में शौक है, तो मुझे मेकअप का कोर्स करवा दो सेल्फ वाला, कि मैं खुद कर सकूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं उस टाइम मेकअप का कोर्स ज्वाइन ही किया था, कम्प्लीट भी नहीं किया था। फिर मैं 6-7 दिन में तो शादी हो गई, तो ज्वाइन 6-7 दिन में ही कैसे? मैं जब इनसे मिली, अब पूरी स्टोरी चलो बता ही देती हूँ, बाद में करती हूँ। तो फिर पायल से जब मैं मिली तो हम दोस्त बने। फिर चीकू के बर्थडे पार्टी में गई, तो वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर का प्लाजो पहना, व्हाइट टॉप पहना, मैंने एंट्री मारी एकदम हीरोइन की तरह अंदर। सब मुझे देख रहे, ठीक है, ये भी मुझे देख रहे थे। तो मैंने इनको बोला हेलो जीजू, ओह माय गॉड, हेलो जीजू बोला, ठीक है, बोल के फिर पायल इन्होंने मेरी फोटो क्लिक करी, क्योंकि इनके पास था नया वाला। तो इन्होंने बोला तुम्हारी फोटो क्लिक करूं, सबकी कर रहे थे, मेरे अकेले के नहीं कर रहे थे। तो मैंने बोला कर दो। अब घर आके मेरे को फोटो याद आई, मैंने कहा पायल मुझे फोटो दे दे। पायल कह रही अपने जीजू से ले ले, नंबर ले ले। मैंने बोला ठीक है। मैंने नंबर लेके बोला हाय आप मुझे मेरी फोटो दे दो। उन्होंने फोटो मेरे को दे दी। थोड़े 2 दिन बाद देखा मेरी फोटो पे उन्होंने व्हाट्सएप स्टोरी पे सबकी फोटो डाली, मेरी फोटो जब डाली ना व्हाट्सएप स्टोरी पे तो वो भी डाल रखी थी। तो मैंने वो भी सीन देखा, वहां से हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। फिर हमारा बना बता अच्छा लग रहा है, हाँ बताओ। तो फिर मैं देहरादून जाने का प्लान बना। मेरी पायल की जो कॉमन फ्रेंड थी जिसकी बर्थडे पार्टी में हम मिले, जिसकी बर्थडे पार्टी में हम दोनों दोस्त बने, तो वो कह रही देहरादून चलते हैं। तो मैंने बोला ठीक है हम लोग चल लेते हैं। हम देहरादून गए, सॉरी देहरादून जाने का प्लान था। तो अचानक से ना हमें जाना था देहरादून सुबह 8 बजे, तो मैं रात को इनके घर पर आ गई, ठीक है, मेरे को लेने आ गए थे। ओह माय गॉड, मैं सोच रही मैं क्या बात में लगाना, 1 मिनट मैं हाईलाइटर लगाना भूल गई, वहाँ देखा हाईलाइटर। तो आप कंटिन्यू। तो देहरादून जाने का प्लान था, तो ये मुझे रात को लेने आया। फिर देहरादून जहाँ पे जानता हूँ किसी के घर में उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने बोला प्लान कैंसिल। मैं घर से निकल चुकी थी बोल के मैं 7 दिन के लिए देहरादून जा रही हूँ, 7 दिन बाद आऊंगी। मैंने कहा मैं घर तो नहीं जा सकती, 7 दिन के लिए निकल चुकी हूँ। पायल ने बोला मेरे घर पे रुक जा। जैसे ही पायल ने बोला मेरे घर पे रुक जा, तो अभी तक मैं रुकी हुई हूँ, अपने घर ही नहीं गई, वापस गई नहीं। ये वाला हाईलाइटर बहुत अच्छा है। अच्छा, she is having the same pile, maybe she is having the same Dior brush. We can cover. You सारा हमारा मेकअप लेके आए थे दुबई से, और वो ऐसे ही पैक रखा हुआ था। हमें लगा थोड़ा हाई है तो कहीं पार्टी वार्टी में यूज करेंगे, तो वो तब खोला ही नहीं। उसके बाद 2 more colors I have, so you girls want you can take mine also. देहरादून चलो अब मैं मेकअप कर सकती हूँ, क्योंकि प्राइमर लगाए काफी देर हो गई। और ये वाला आई शेडो बहुत अच्छा है। भाभी जब भाभी ये क्या कर रही हो? ये स्प्रे नहीं है, प्राइमर है, प्राइमर है भाभी, स्प्रे इसमें। हाँ, जब इनने शादी कर ली तो मैं बताया करी थी भैया ने, हैं? हाँ तुम्हें बताई नहीं थी, मुझे बाद में बता। मतलब ऐसे बोला था कि मैं तेरी फ्रेंड पसंद है, ये है वो है, ये नहीं पता था कि ये शादी करके आए। बट आपका लेजिट अफेयर चल रहा था कि नहीं चल रहा? मेरा यार मैं सच बोलूं मेरा कुछ अफेयर नहीं चल रहा था। मैं उनसे मिली 6 दिन के अंदर, नहीं पता लगा ना क्या मैं तुम्हें देखो सच बोल रही हूँ, भगवान की कसम। मेरे 4 बच्चे हैं, मैं सच में कह रही हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। आई स्वेयर मुझे नहीं पता मेरी शादी कैसे, जब मेरी शादी हो गई तो मुझे लगा यार शिट यार तो शादी हो गई, मैं क्या करूँ? मैंने सोचा मैं क्या करूं, हमने बहुत ट्राई करा। देखो यार बहुत ज्यादा। What was your reaction when you got to know? रिएक्शन वही तो, कुछ मुझे भी कुछ पता ही नहीं लगा ये क्या हो गया। मैं पायल की जगह होती ना मुझे भी बुरा लगता, किसी को भी बुरा लगता। मैं ये नहीं बोल रही कि तुम लोग यहाँ पे बैठी हो तुम सोचो यार कृतिका को कुछ बोलेंगे तो उसे बुरा लगेगा, नहीं। अगर मैं पायल की जगह होती ना मुझे भी बुरा लगता। हमने ट्राई किया, पायल ने ट्राई किया रिश्ता तोड़ने का, मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक छोटी सी फैमिली को बर्बाद मतलब कर दिया। इन एक शॉर्ट वर्ड में बोले कि चीकू के पापा और पायल की लाइफ में आके मैंने बहुत बड़ी गलती, मैंने पीछे मुड़ा, मैं पीछे कोशिश करी कि मैं नहीं। लोगों को लगता है ना कि हाँ यार ये रिश्ता ऐसा है, बट नहीं, हम तीनों ने एक दूसरे को खोया। मैं इतनी पतली हुई थी, तुम तो क्या हो, मैं चीकू के कपड़े पहनती, सेम मॉइस्चराइजर भी यूज करती हूँ, चीकू के कपड़े पहनती थी मैं, इतनी पतली हो गई थी, लाइक 40 एक झटका जैसे बहुत। फिर आप हाउ डिड यू जब वापस जब इवन मेरे हस्बैंड है ना, अभी ये बात करते ना, मम्मी ने तुमसे पहले मतलब किसी को देखा होगा, मैं उससे 24 घंटे बात नहीं करती, वो बस वो एक वर्ड बोलता है कि चंद्रिका देखो उसको देखा था, उसको देखा था, ये देखा था, तुमने मतलब हाथ कांपते हैं जब मैं वो चीज, लड्डू बटवा दूं उस गली में, चीज सोच के जाती हूं, मतलब कोई बर्दाश्त नहीं। अभी नहीं है गिल्ट, अब बिल्कुल गिल्ट नहीं, अगर गिल्ट होता तो हम साथ नहीं होते। गिल्ट था, गिल्ट रहा था मुझे, जब गिल्ट रहा तो चीजें खराब हुई, मुझे बहुत बड़ा गिल्ट आया कि मैंने क्या कर दिया, मैंने स्टेप बैक करा। हम वापस कैसे मिले, मैं ये नहीं है कि आज से हमारा प्यार है, नहीं, आज से हमारा प्यार नहीं, हमारा प्यार हमने बनाया है। लोगों को लगता है नहीं दोनों एक साथ कैसे रहते हैं, बात तो सही, पहले था प्यार, पहले था, बट चीजें खराब हुई ना तो एक दूसरे के मन में, क्योंकि लोगों ने इतना जहर घोल दिया कि तेरी उससे शादी हो रही है तो तेरे को तेरा पति तेरे से छीन लेगी, तुझे क्या मिलेगा, और तू उससे शादी करी, तू तो कुंवारी है, तुझे तो बहुत लड़के मिल जाएंगे, तू किसी शादीशुदा पे क्यों मर रही है, तू तो बहुत अच्छे, तू तो बहुत सुंदर है, तुझे तो 10 लड़के मिल जाएंगे, तुझे इसको छोड़ के किसी और से शादी करनी चाहिए, इसका तो पति है, तुझे हमेशा दबा के रखेगी, ये करेगी वो करेगी, तू सेकेंड वाइफ है, जिंदगी भर तेरे पे थप्पा रहेगा। इसको अलग बातें बोली, मुझे अलग बातें बोली, वो जो चीजें थी ना, वो जो माइंड था ना, वो हमारा 1.5 साल ऐसा ना, मतलब मैं ना उन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ना पायल कर सकती है, नहीं कर सकते, एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती, और ये चीजें कभी जिंदगी में नहीं बताई किसी को।